गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त अनियमितता तथा रखरखाव से क्षुब्ध छात्रवासियों ने रविवार को सर्किट हाउस पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात किया तथा मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में मेज की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन वहाँ पानी, शौचालय और बिल्डिंगों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में बात करते हुए छात्रावासी देवेंद्र प्रताप देव ने बताया, आपकी समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के इतने सख्त खिलाफ हैं और इस बात उनके संज्ञान में दे देंगे। आपके लिए विद्यार्थियों के लिए तो पूरा सरकार छात्रावास लोगों को लगेगा विद्यार्थियों के टापर स्वतंत्र कमेटी बना के आप जांच करा लीजिए तत्काल और देखिए क्या स्थिति है। 10 दिन पहले 40-40 लगा के एक 40-40 लाख रुपया लगा के एक एक बाथरूम बनाया गया सर, तो भी उसकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि आप इसमें सर खड़े नहीं। विद्यार्थियों को आप लोगों को डराने के लिए कहते हो कि विद्यार्थी भी हमारा है, उसको गुंडा एक लगवाएंगे, उसको विद्यार्थी को आगे बढ़ाकर पढ़ा के उसे प्रथम नागरिक। सर हम लोग मेस के लिए, सरकार की प्राथमिकता है आपको प्रथम नागरिक बनाने जी। सर हम लोग मेस के खिलाफ नहीं है, मेस चलाएं, उसके पहले हमको शौचालय और पानी की व्यवस्था करें। जो विद्यालय जो विश्वविद्यालय सर पानी नहीं मिल पा रहा है तो हमको भोजन कैसे सकते हैं। इसकी वार्ता खत्म करो। 28,000 आज तक सर, पिछले साल 18,000 था, इस बार सीधे कम जाके जो लड़के हैं उनसे कितना लेते हैं सर? पहले 2300 रुपये फीस था बस रहने के, अब सीधे 4,700 हो रहा है, 6,000 रुपये उसका हो गया, 8,000 रहने का हो गया, 10% बढ़ा सकते हैं, 3,500। गरीब घर के लड़के हम लोग कहाँ से पे कर पाएंगे? इतने गरीब छात्र हैं सर कि हम रात को यहाँ पे 10 बच्चे से रात को जाके काम करते हैं जी सर, सुबह को सर पढ़ाई करते हैं, वेटर का हम लोग काम करते हैं, लेकिन सर 2300 रुपये से अचानक 2700 रुपये सर बढ़ा दिया गया, हम लोग 97% सर हॉस्टल खाली हो रहा है। हम लोग कहें सर, हम लोग अगर मेस चला रहे हैं तो हमारा शौचालय पानी का सुविधा बढ़ा दें और उसके बाद। मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह देव है, यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्रवासी इकट्ठा हुए हैं, जिनके पास साधन नहीं वहाँ पे नहीं आ पाए हैं, लेकिन यह छात्रवास का मुद्दा है और हम लोग की जेन्युइन मांग है। पानी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, सही शौचालय हो जाए उसके लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आप लोग मेस यहाँ पे लगाए हैं, छत टपक रहा है, उसका मरम्मत नहीं करा पा रहे, मेस का काम इससे क्रांतिकारी तौर पर करा रहे हैं, एक महीने में मेस तैयार करवा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पानी टपक रहा है वो सही करा है। हम लोग शौचालय में बैठते हैं तो किंडी नहीं है उसमें, हम लोग रस्सी लगा के बैठते हैं, हम कहते हैं पहले पानी स्वच्छ दीजिए, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कीजिए, हम लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, गुरु जी लोग कभी पढ़ाते हैं इस पर कभी आप लोग पूछने नहीं आए। हम लोगों का जो कार्य है यहाँ मेस में, अभी बताइए हम लोगों का 36,000 आय प्रमाण पत्र है, 36,000 आप लोग लगाए हैं तो हम लोग कहाँ से देंगे? वो भी 36,000 का खाना एक समय में नहीं खिला सकते, हम कह रहे हैं लेना भी है तो आप लीजिए, उसे किस्त वाइज कर दीजिए आप। यहाँ पे सभी छात्रवासों के लगे, यहाँ पे विवेकानंद के भी हैं, महात्मा बुद्ध के भी हैं, उसके साथ संत कबीर छात्रवास के भी हैं, नाथ चंद्राव छात्रवास के भी हैं। मंत्री जी से आश्वासन मिला है कि आपका जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे अवगत कराया जाएगा और अवगत कराने के बाद से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा, जो इसमें भ्रष्टाचारी होगा उसको दंड भी दिलवाया जाएगा।